बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के महिला आघाड़ी द्वारा समूचे महाराष्ट्र में की जा रही स्त्री शक्ति संवाद यात्रा राज्य में परिवर्तन की लहर साबित होगी। ऐसे विचार मुंबई महानगरपालिका की महापौर किशोरीताई पेड़नेकर इन्होंने व्यक्त किए। 16 जनवरी 2024 से उद्धव बालासाहेब ठाकरे के दिशा निर्देशों तथा रश्मि ठाकरे के मार्गदर्शन में उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना महिला आघाड़ी की उपनेता विशाखा राउत, मुंबई महानगरपालिका की महापौर किशोरीताई पेड़नेकर, उपनेता ज्योति ठाकरे, संजना गाड़ी, राजुल पटेल, शीतल देवरुखकर, सुपद्रा फातवेरकर, रंजना नेवाड़कर आदि श्री शक्ति संवाद यात्रा के दरमियान विदर्भ विशेषता ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों से संवाद साधकर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे के स्वप्न का देश तथा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में किए गए महिलाओं के उत्थानों के कार्य जन जन तक पहुंचाकर सत्ता प्राप्ति हेतु चलाए जा रहे ईडी सीडी प्रलोभन तथा तोड़ मरोड़ की राजनीति से आम जनता को होने वाले नुकसान से अवगत कर राज्य में फिर एक बार शिवसेना आघाड़ी की सत्ता स्थापित कराने हेतु पूरे दमखम से मैदान में डटे हुए हैं। इस अवसर पर स्थानीय संवाददाताओं से बात करते हुए मुंबई की महापौर किशोरीताई पेड़नेकर ने कहा कि सत्ता तो आती जाती है, हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, हमारी लड़ाई तो तत्वों की है, स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे के स्वप्न पूर्ति की है। आज कोई बढ़ती महंगाई पर तक नहीं बोलता है, केंद्र तथा राज्य में स्थित सरकार द्वारा लिए जा रहे गलत फैसलों पर बोलने वालों की आवाजें दबाई जा रही है। राम राज्य का सपना दिखाकर हुकुमशाही और दबाव तंत्र का सहारा लिया जा रहा है। इसके विरोध में शिवसेना महिला आघाड़ी ने स्त्री शक्ति संवाद यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बढ़ती महंगाई, बढ़ते स्त्री अत्याचार, असुरक्षित महिला और हुकुमशाही के खिलाफ लोगों में जन जागृति की अलग जगाने की बात प्रखरता से अपने विचारों में कही। इस अवसर पर उद्धव बालासाहेब शिवसेना के रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सह संपर्क प्रमुख उत्तम कापसे, युवा सेना नागपुर जिला उप प्रमुख प्रफुल्ल कापसे, सुकेशनी कापसे, प्राजक्ता कापसे आदि सह अनेक महिलाएं उपस्थित थी। NBC न्यूज़ के लिए सामने से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। एक तो मैं अकेली नहीं आई हूँ, पूरी स्त्री शक्ति साथ में लाई हूँ। हमारे यहाँ की जो बचत गट का पूरा संगठन मुंबई से लेके ग्रामीण तक जाने वाली रंजन भाई निवाकर, यहाँ से संपर्क संगठक करने वाले हमारी भावे भाई, यहाँ महिलाओं का लीडर करने वाली हो वंदना लोनकर भाई, हमारा शिल्पा अंबोड़के भाई, और ये साइलेंट लेकिन किलर ऐसे हमारे उत्तम कब से भाई साथ में काम कर रहे हैं सब लोग। स्त्री शक्ति का संवाद ये महाराष्ट्र में जिस तरह या देश में जिस तरह अपना महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार बढ़ गई हुई महंगाई, जब ही महंगाई इससे बहुत कम थी तभी महंगाई का म भी नहीं निकल रहा है तो अभी गई भी नहीं निकल रही, इसका मतलब है किसी ने भी उसके ऊपर आवाज नहीं उठाना। हम भूतकाल में ही पड़े रहेंगे। अब आवाज उठाने वाले के पीछे ईडी और सीडी लगा दी जाती है तो वो क्या आवाज उठाएगी? ऐसा नहीं होता है, लगाया भी तो भी जो सच है तो सच है, जो ईडी लगाए या बाकी वो उधर जाते तो दूध के धुले हो जाते है क्या? तभी गवर्नमेंट की जो यंत्रणा है तभी शांत होती है, तो इसका ही गुस्सा भी लोगों को है। एक नार्वेकर का भी प्रकरण बीच में हुआ है, उस प्रकरण के बारे में आप क्या कहते हैं? नार्वेकर ये अभी जो जो जिनके ऊपर भी डिस्क्वालीफाई का लाया था और वो पूरा का पूरा अध्यक्ष नार्वेकर, अध्यक्ष नार्वेकर, हाँ अध्यक्ष नार्वेकर, न भूतो न भविष्य ऐसे नार्वेकर। ओके, तो उनके बारे में क्या कहना, जिस दिन बैठे अभी से सबको पता था, बच्चा जानता था कि ये गलती निर्णय देने वाले मीन गलत आदमी गलत सिट पे गए। आने वाले समय में शिवसेना और शिवसेना के मित्र पक्षों की क्या ऐसी भूमिका रहेंगी जो आपको महाराष्ट्र में सत्ता में खींच कर लाएगी?
एक तो आघाड़ी बन रही है, आघाड़ी के कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उन्होंने तो अपनी खुद की एक जिम्मेदारी समझ के अभी पदयात्रा लोगों से कांटेक्ट वो कर रहे, उनके पक्ष के लिए वो सही है। हमारे उद्धव जी ने तो कहा है, कल तो महापत्रकार हुई और उस दिन भी उन्होंने क्या उबाटा क्या बोलते हो, उद्धव बाला साहब ठाकरे अन्याय के विरोध मैं उबा ठाक ले लाए, जो मराठी में कहा था ना मैं उबा है, मैं उबा ठाक ले लाए। हमें हम लोग ऐसा संगठन बना के आगे बढ़ रहे, देश में भी बहुत जो अलग अलग राज्यों में पार्टी वो एक